इंडस्ट्री की ब्यूटीफुल एक्ट्रेस सारा अली खान के घर पर नोटिस भेजा जा चुका है। जी हाँ, समन भेजा जा चुका है। सुशांत सिंह राजपूत मामले की तहकीकात करने के लिए चार टीम इकट्ठा हुई। NIA चौथा मेंबर है, चौथी एजेंसी है जो कि जुड़ चुकी है CBI, ED और NCB के साथ। और इन सब के बीच आपको बताना चाहेंगे कि दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर जैसे एक्ट्रेसेस के बीच सारा अली खान के घर पर भी समन भेजा गया है, ये कहा जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि सारा अली खान जो कि गोवा में कर रही थी एंजॉय फ्रेंड्स के साथ वेकेशन ट्रिप, वो सारा अब मुंबई पुलिस नहीं बल्कि सीबीआई से मिलेगी। मुंबई पुलिस ने समन भेजा है। मुंबई पुलिस की सीबीआई टीम जो है सारा अली खान की करीबी तहकीकात, क्योंकि सारा अली खान को देखा गया था फार्म हाउस के उस वीडियो में जिसमें सुशांत के साथ वो कर रही थी नशे। इसके अलावा NCB नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने समन करने के लिए, हिरासत में लेने के लिए सारा अली खान को नोटिस भेजने के बाद उन्हें बुलाया है। बताना चाहेंगे हम आपको, इसके अलावा रकुलप्रीत सिंह का भी नाम शुमार है जिन्हें समन NCB की टीम ने भेजा है और सबकी जांच पड़ताल होगी, सबसे इंटरोगेशन किया जाएगा। इस वक्त अमृता सिंह रहती है सारा अली खान के घर पर। इसके अलावा सारा के भाई इब्राहिम अली खान पटौदी उनके साथ रहा करते हैं। तो सारा अली खान के फैंस के लिए बुरी खबर है, क्योंकि सारा अब पुलिस के चक्कर काटेंगी, कानून के चक्कर काटेंगी, क्योंकि कानून का हाथ बहुत लंबा है जो सारा के साथ के घर तक पहुंच चुका है। और सारा अली खान इस नई मुसीबत में फंस चुकी है। बता दें, इस ड्रग केस में सारा अली खान को NCB पूछताछ के लिए समन भेज चुकी है और उन्हें इसी वीक बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये मुश्किलें नहीं थमेगी, क्योंकि हाई कोर्ट भी पहुंची थी रकुल, लेकिन फिर भी समन उन्हें भेजा जा चुका है। बताना हम आपको चाहेंगे कि सारा अली खान से पूछताछ के लिए 26 सितंबर की तारीख NCB ने तय की है। इस तारीख को सैफ अमृता की लाडली पहुंचेगी सच्चाई बताने के लिए, क्योंकि सुशांत के साथ नशे लेती थी वो, इल्ज़ाम उन पर लगे हैं। और केदारनाथ फिल्म में जब वो काम कर रही थी उस वक्त शूटिंग के वक्त ये दोनों करीब आए थे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।